फाइनली YouTube ने एक नया अपडेट किया है YouTube के एप्लीकेशन पर और काफी सारे चेंजेस लाए उस एप्लीकेशन पर। क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग है उसमें और क्या ऐसे बदलाव किए गए हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, सभी कुछ आपको हम वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। तो वीडियो को देखना लास्ट तक और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारी सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो फटाफट से पढ़ते हैं अपडेट की ओर। काफी सारे अपडेट किए गए हैं, उसमें बहुत सारे अपडेट है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो आप लोग वो वीडियो में बताते थे कि आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है और वो आई बटन YouTube ने पहले भी डिक्लेयर किया था कि वो आई बटन अब हटने वाला है, तो सभी को लग रहा था कि आई बटन अब नहीं रहेगा। बट एक्चुअल में क्या किया YouTube ने कि आई बटन के जो पोजीशन है, जो जगह है आई बटन का, उसको चेंज कर दिया। अब आपको आई बटन तो दिखेगा वहीं पे, बट आपको अगर आई बटन पर जाके कोई वीडियो को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा 3 डॉट पे और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम और फिर चैनल का नाम रखेगा। अगर मान लो मेरा, अगर मैंने कोई डाला है तो फ्रॉम नीलेश सर का लिखा रहेगा और वहां पे आप टैप करके आई बटन पे उस बंदे ने जितने भी वीडियोस दिए हैं वो सभी को आप देख सकते हैं। तो सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है और भी बहुत सारे चेंजेस में, जैसे कि ऑटो प्ले का ऑप्शन और उसकी जो डिजाइन है इस बार उस पर काफी ज्यादा काम किया गया है। ऑटो प्ले का जो डिजाइन है उसको चेंज किया गया है और अभी ऑटो प्ले कुछ इस टाइप का है देखने में और ये ऑन ऑफ होता है। और एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, YouTube से पहले जो डेटा है बहुत ज्यादा खत्म हो रहा था, वैसे भी है YouTube के बहुत ज्यादा हैवी यूजर्स, उसके कारण YouTube पे जो वीडियो की क्वालिटी है उस पे बहुत ज्यादा डेटा खत्म हो रहा था। तो YouTube ने एक अपडेट किया था और उसमें YouTube ने उसके जो वीडियो क्वालिटी है, मतलब एक्चुअल में जो क्वालिटी जिस पर हम लोग देख सकते हैं, उसको घटा दिया था। 480p से ज्यादा क्वालिटी वीडियोस हम लोग नहीं देख सकते हैं YouTube में। हालांकि वो वीडियोस उससे भी बेटर क्वालिटी पर जा सकती हैं, उससे भी बेटर क्वालिटी पर देखी जा सकती है, बट हम लोग YouTube पर नहीं देख सकते उसको। हम लोग को उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं और उससे देख सकते हैं। और अब YouTube को लगने लगा है कि यस, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा डेटा हो गया है, अब किसी के पास डेटा की कोई भी कमी नहीं है, तो इसलिए अगेन उस अपडेट को वापस से उसने हटा दिया है और वापस पुराना वाला अपडेट ला दिया, जो कि आप लोग YouTube पे 1080p तक वीडियो को देख सकते हैं, मतलब 1080p तक HD में वीडियो को देख सकते हैं। और इस बार कैप्शन के जगह को भी चेंज किया गया है, ऊपर में ही आपको एक कैप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप टैप करेंगे तो डायरेक्ट कैप्शन ऑन हो जाएगा। और हाँ, अगर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे तब आपको 3 डॉट पे जाकर ही सेट करना होगा। बस एक नॉर्मल सा, मतलब एक स्विच टाइप का दे दिया है, आपको डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं वहीं से। यही थे कुछ अपडेट जो कि YouTube ने किया है, अभी फिलहाल नवंबर की बात है ये, और हो सकता है और भी बहुत बड़े बड़े अपडेट करे YouTube अपने एप्लीकेशन में। तो उस अपडेट्स को जानने के लिए कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना भी प्रेस, ताकि हमारी सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। वहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।